मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में हो रहे हैं कई आयोजन, प्रदेश की सभी महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेगी निःशुल्क यात्रा। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय अहिंसा और कौमी एकता सम्मेलन हुआ आयोजित, कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शत प्रतिशत मतदान की दिलाई शपथ। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्र और अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण, रसोई संचालक को दिए गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश। प्रदेश के 7 बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें की जाएगी संचालित, जयपुर में 300 ई बसों का किया जाएगा संचालन। चुनाव आयोग की ओर से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत जारी गाना किया जा रहा है पसंद, युवाओं ने कहा उनका वोट देश के विकास, उन्नति और विकसित भारत के लिए। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आज सुबह सीकर रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं की स्पेशल ट्रेन हुई रवाना, श्रद्धालुओं ने स्पेशल ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का जताया आभार। भरतपुर के डीग जिले के समस्त कस्बों और गांवों के सौंदर्यकरण के लिए 17 मार्च तक स्वच्छता फर्स्ट अभियान किया जाएगा आयोजित, डीग जिला कलेक्टर ने प्राचीन किले से की इसकी शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में 400 छात्राओं को भेंट की साइकिल, कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव सहित गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं रही मौजूद। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल ने सीकर के खाटू श्याम जी में आयोजित होने वाले लक्खी मेले की तैयारियों का लिया जायजा, बंसल ने बाबा श्याम के दर्शन कर की पूजा अर्चना। झालावाड़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक, बैठक में कलेक्टर ने कहा मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जयपुर के आमेर में सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी की ओर से फ्री हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन, कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने करवाई जांच। झालावाड़ में प्रशिक्षु आईएएस ने शहर की सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण, लापरवाह सफाई कर्मियों को 1 माह के लिए निलंबित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। डूंगरपुर में बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में कार और पिकअप टकराने से हुआ हादसा, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 3 अन्य लोग घायल।